मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का उमंग सिंगार को लेकर कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो उन्हीं से जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं पूर्व प्रदेश पद अध्यक्ष अरुण यादव द्वारा ट्वीट किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन अभी दोनों हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास है। अरुण यादव हमारे कांग्रेसी परिवार के हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को सेट कर लेंगे। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कहा कि प्रदेश के जो हित में होगा, प्रदेश के हितों की रक्षा करने वाला जो भी निर्णय होगा, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा इस मामले में अध्ययन और चिंतन करने के बाद भी निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश की जनता का अहित नहीं होने दिया जाए। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री बाला बच्चन आज एक दिन के प्रवास पर खरगोन जिले के महेश्वर पहुंचे थे। वहां पर पुलिस थाना और अन्य भवनों का उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। उनके साथ ही आयुष एवं संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो भी मौजूद थी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो प्रदेश के हित में जो होगा, प्रदेश के हित में होगा, जो प्रदेश के हितों की रक्षा करने वाला जो भी निर्णय होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से अध्ययन करने के बाद और चिंतन मनन करने के बाद ही उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता का कहीं भी भयभीत नहीं होने देंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व। उमंग सिंगार लगातार दिग्विजय सिंह और उनको घेर रहे हैं। आज भी एक बयान दिया है उन्होंने आज अवैध रेत उत्खनन को लेकर। मैं समझता हूँ कि आप उन्हीं से जानेंगे तो ज्यादा बेटर है। अरुण यादव जी ने भी आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से सत्ता संगठन पे निशाना साधा है। अभी सत्ता संगठन तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और दोनों में सामंजस्य और समन्वय है और अगला जो भी अध्यक्ष आएगा वो सब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मजबूती करने वाला होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन ट्वीट के माध्यम से आज दर्द झलका अरुण यादव का, आज ट्वीट के माध्यम से पूरे प्रदेश की राजनीति में आज चल मचा हुआ। ठीक है, वो भी हमारे कांग्रेस परिवार के हैं, कोई बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जो बहुत जल्द इसको शॉट आउट कर लेंगे। सर, जिले के कई थानों में जवानों की कमी है, अभी उस कमी को बहुत जल्द हम लोग पूर्ति करेंगे। लगता है प्रदेश अध्यक्ष से कब तक मिल पाएगा? बहुत जल्द। वचन पत्र में प्रेस एक्ट का बात की गई थी, तभी तक वो कब तक हो पाएगा? उस पर हम लोग पालन करा रहे हैं, उसको हमने दिखवाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द हम लोग उस पर एक्शन लेने वाले हैं और बहुत जल्द इसमें व्यवस्था आने वाली है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।